सवाल के सब बातें सबको दिख रहा है। बस बस आप चाहे महाराज का महाराज विधानसभा चुनाव के करीब आते ही सभी राजनीतिक पार्टी गांव-गांव और शहरों का दौरा करने में जुट गई है। वो प्रचार प्रसार कर लगातार अपने अपने पार्टियों को जिताने की कोशिश में लगे हुए हैं। इसी कड़ी में यूपी के रण में पहली बार अपनी किस्मत आजमा रही जनसत्ता दल लोकतांत्रिक पार्टी भी लगातार प्रचार में जुटी हुई है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया भी पार्टी के प्रचार में जुटे हुए हैं। अमेठी के मुसाफिर खाना पहुंचे राजा भैया ने पार्टी के प्रत्याशियों के लिए प्रचार किया और उनके हक में वोट मांगा। राजा भैया ने गौरीगंज विधानसभा से प्रत्याशी नफीस अहमद के लिए वोट मांगते हुए कहा कि इस बार के रण में हम किसानों के मुद्दे को लेकर उतरे हैं, सिर्फ वेस्ट यूपी के नहीं पूरे यूपी के किसानों के लिए। किसानों से जुड़े मुद्दे हैं उसमें, जब हम किसानों की बात करते हैं तो तुरंत सबका दिमाग जो है पश्चिम की ओर चला जाता है, पूरे देश का। हमारे अवध में, पूर्वांचल में, बुंदेलखंड में जो किसान हैं वो लघु सीमांत कृषक हैं। मुख्य तौर पर यहाँ पे धान गेहूँ की फसल बोई जाती है। इन किसानों की कोई अपनी आवाज़ नहीं है। इनकी समस्याएं भी बहुत छोटी छोटी हैं लेकिन कई दिनों से लंबित हैं। उदाहरण के लिए समय से DAP और यूरिया का ना मिलना, सही समय पर बिजली ना आना, सिंचाई की असुविधा है और सरकारी क्रय केंद्र पर इनकी फसल का पूरा खरीद ये नहीं होता है। उदाहरण के लिए हम 15 क्विंटल से अधिक जो है पैदावार होती है। हमारे यहाँ कई ऐसे जगह हैं जहाँ 18 क्विंटल से भी अधिक पैदावार होती है, लेकिन एक अघोषित निर्णय लिया गया है जिसमें ये क्रय केंद्रों को कहा गया है कि 10 क्विंटल से ज्यादा प्रति बीघा खरीद नहीं करनी। बता दें कि जनसत्ता दल लोकतांत्रिक पार्टी ने अभी तक 19 सीटों पर अपने प्रत्याशियों की घोषणा की है। राजा भैया ने कहा कि जैसे जैसे प्रत्याशी आ रहे हैं हम घोषणा कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि जहां भी हम लड़ रहे हैं वहां मजबूती से लड़ रहे हैं। देखिए, सीटों की संख्या अभी नहीं बताई जा सकती है। जैसे जैसे प्रत्याशी हैं, जहां भी हम लड़ रहे हैं मजबूती से लड़ रहे हैं। जैसे आपने देखा कि नफीस के लिए यहाँ पे पूरा हर वर्ग में, बड़े बुजुर्ग से लेकर के नौजवानों में उत्साह है। कोई जात पात का बंधन नहीं है, सबका आशीर्वाद मिला। इस तरह से अन्य क्षेत्रों में भी जहां मजबूत प्रत्याशी हैं वहां अपने प्रत्याशी के लिए प्रचार करते हुए राजा भैया ने ये भी कहा कि पहले से अब हम पार्टी का संगठन मजबूत हुआ है। हर जिले में संगठन के लोग हैं जिसका परिणाम आपके सामने है। 30 नवंबर 2018 को पार्टी का गठन हुआ था और सपा बसपा मिल करके लड़ी थी, भारतीय जनता पार्टी भी थी। इसके बावजूद कुंडा विधानसभा और बाबागंज विधानसभा, इन दोनों में जनसत्ता दल के प्रत्याशी ने जीत हासिल करी थी और बड़े अंतर के साथ जीत हासिल करी थी। अब तब से लेकर के अब तक उत्तर प्रदेश के हर जनपद में अपना संगठन खड़ा हो चुका है। काफ़ी हम लोगों ने कोविड के इस महामारी के बावजूद काफ़ी सक्रियता लोगों में देखने को मिल रही है और हमारे जो पार्टी के वरिष्ठ नेतागण हैं, उन्ना भैया हैं, गोपाल जी हैं, आप सब लोगों ने पूरे प्रदेश का दौरा किया, अनेक जनपदों का दौरा किया और परिणाम आज सामने दिख रहा है। अब देखना होगा कि आने वाले चुनाव में राजा भैया की पार्टी जनसत्ता दल लोकतांत्रिक पार्टी कितने सीट जीत पाती है या फिर लोकसभा चुनाव की तरह ही उनकी झोली फिर से खाली रह जाएगी। पंजाब केसरी TV के लिए अमेठी से शरद श्रीवास्तव की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।